हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 परमानेंट पोस्ट आई हैं, कुल पोस्ट 11,000 हैं। प्राथमिक विद्यालय से वैकेंसी आई है, सहायक आचार्य इंटरमीडिएट प्रशिक्षित 1 to 5 के टीचर्स और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य क्लास 6 से 8 तक के टीचर्स, SST साइंस मैथ और लैंग्वेज शिक्षक की। यहाँ पर क्लास 1 to 5 सहायक आचार्य के लिए जो है सैलरी 25,500 से 81,100 तक मिलेगी। गवर्नमेंट परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसके अलावा 6 से 8 तक की जो सैलरी है वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, 29,200 से लेकर 92,300। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के पुरुष की जो उम्र है वो 40 साल है और यहाँ पर महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 43 ईयर रखी गई है। इसके अलावा भी जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज जो दिया गया है। बाकी सारी डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन में देखेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर केवल 100 रुपए ही लग रही है। तो चलिए नोटिफिकेशन में देखेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है 1 to 5 के टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले देखें, प्राथमिक विद्यालय से ये वैकेंसी आई है। क्लास 1 to 5 में 12th मांगी गई है और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ जो है वो 12th और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या BLED भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भी जो है यहाँ पर मान्य रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो है 1 to 5 के लिए यहाँ पर लिखा है 1 वर्षीय BEd, 2 वर्षीय BEd, BEd विशेष शिक्षा, तो ये भी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये पुराना जो है वो एडवर्टीजमेंट है, जब सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया था उससे पहले का है ये, तो इस वजह से जो है यहाँ पर 1 to 5 के टीचर्स के लिए BEd एलिजिबल किया गया है। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। कक्षा 1 to 5 के सहायक आचार्य के लिए 25,500 से लेकर 81,100 तक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET भी जो है यहाँ पर मान्य होगा। यहाँ पर जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं जिन्होंने झारखंड टेट क्लियर किया हुआ है। क्लास 6 से 8 तक के लिए उन्होंने कहा है कि 12th के साथ में आप लोगों ने 2 वर्षीय अगर डिप्लोमा किया है प्रारंभिक शिक्षा में या आपने स्नातक BEd किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। स्नातक BLED 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक और BLED, ठीक है, 4 वर्षीय BA या BSc ED भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर भी जो कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा क्लास 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम उम्र जो है यहाँ पर 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 40 वर्ष है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की भी 40 है और जनरल कैटेगरी की भी 40 वर्ष है। महिला तो यहाँ पर 43 ईयर जो है कही गई है। SC के पुरुष और महिला की 45 वर्ष है और ST के पुरुष और महिला की 45 वर्ष ही है। सिलेक्शन जो है वो आप लोगों का यहाँ पर आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित जो है परीक्षा ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर कितना है, 100 रुपये मात्र रहेगा। इसके अलावा जो है छूट दी गई है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो केवल 50 रुपये रहने वाली है। अभी जो है वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को होम पेज पर आना है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी जो मेन वेबसाइट है और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो इस पर आप लोगों को आना है, नीचे आप लोग आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नजर आ रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू डिटेल एडवर्टीजमेंट, एक तो जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही थी एडवर्टीजमेंट ये आप लोगों को कंप्लीट यहां पर पढ़नी है पहले, फिर एप्लीकेशन करनी है। सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर लिखे गए हैं। यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है यहां लिखी है अभी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 15 सितंबर तक जो है वो लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट जो है वो आप 17 सितंबर तक कर सकते हैं। डेट ऑफ टेक प्रिंट आउट विद अपलोडेड फोटो एंड सिग्नेचर 19
सितंबर। डेट ऑफ फॉर्म करेक्शन के लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर अर्ध रात्रि तक जो है वो आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। अगर आप लोगों ने कोई भी पहले अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और कोई गलती हो गई है तो आप लोग बिल्कुल संशोधन कर पाएंगे 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। तो ये जो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने 135 पेजों की जो पीडीएफ फाइल है जिसमें 57 पेजेस पर जो है वो बिल्कुल सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इस पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है, फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही आपके मोबाइल फोन और ईमेल पर जो है इसका जो है नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो आप इसको नोट करके अपने पास रख लें क्योंकि आगे भविष्य में लॉगिन करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया और पासवर्ड आपको मिल गया और फिर जो है इसको लॉगिन करके अपने बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग भरेंगे। ऐसे जो है वो आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।